ले और छोटे भाई ने समोसे फोड़ ले अकेले अकेले है अकेले अकेले खा बोल रहे अकेले अकेले मैंने कहा फोड़ा हाँ तो फोड़ लो ना अकेले अकेले खा लो बेटा याद रखो यार चटाई उसके अलावा अभी के लिए एक सीन ये है कि हैप्पी बर्थडे कर दी शर्म ना ही तेरे को मेरे को तो काटने देता तेरी ऐसी की तैसी भाई मस्त सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ अपने आज का मजा से व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो भाइयों अभी तक जिस किसी ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा यानी कि मेरे चैनल शाओमी वर्ल्ड को जल्दी जाओ सब्सक्राइब भी कर दो घंटी भी दबा दो ताकि आपके भाई की यार आने वाली नई वीडियो आप तक बराबर मौसूल हो सके। तो अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ अपने आज के मजा से व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो वेलकम बैक टू दियादा व्लॉग। तो कर मुझे ब्लॉग का हो गया है इंट्रो शिंट्रो तो शहरी के वक्त ब्लॉग का स्टार्ट करा जा रहा है। आज सुबह स्टार्ट करा जा रहा तकरीबन 12 बजे। तो भाई वो यार शहरी के टाइम मोबाइल सफ़ा डेड हुआ पड़ा था तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि चार्जिंग नहीं थी। ब्लॉग कैसे बनाता तो मैंने सोचा आज यार जब सुबह उठेंगे ना फिर अपना जो सुबह हमारी होगी 12 बजे रमजान वाली तो जब ही उठ के ब्लॉग को कंटिन्यू अपना यानी स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लिया तो लगे पौधों करेंगे और पौधों के पास आए यार पौधों की काफ़ी दिन हो गए अपडेट नहीं दी माशाल्लाह गुलाब अभी मज़ीद बड़ा ही होते जा रहा है और माशाल्लाह पहला गुल इसके ऊपर लगने को भी तैयार है। सुभान अल्लाह ये ज़रा चेक कीजिए अल्लाह ताला इसको नज़र बस से बचा अल्लाह इसको खूब परवान चढ़वाए। और कली का पौधा यार ये चल रहा है बस अल्लाह पाक से भी अपना गर्म ही है बस दुआ करता हूँ कि बेहतरीन चले अल्लाह ताला इसको बीमारियों से बचाए रखे। पौधों में ना इस टाइम बीमारियाँ भी बहुत जाती आती है फलते फूलते भी बहुत ज़्यादा और नीचे से हमारा सदाबहार है वो भी माशाल्लाह ग्रोथ पे ये ग्रोथ पर ग्रोथ करा जा रहा है कोई पता नहीं इसके ऊपर कब लगेगा। जितनी बार भी घर पे लगाया ना मेरा सदाबहार तो इसका पौधा हुआ ही नहीं है यार फूल निकलते ही नहीं क्या। चलो छो चलो तो ये ले जा रहे पानी के लिए। उसके अलावा मम्मा जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप शुक्र ठीक है तबीयत से ठीक ने अल्लाह शुक्र आज मैं वो रोजा है रोजा है मेरा रोजा है पांचवा रोजा है अमीर अभी पेट दो केन उठा केन खाली कर दिया पीछे से यूं पकड़ के अबे केन उठा केन खाली कर दिया और लेट्स गो चले हम तो चलते हैं दोस्तों पानी के लेके आते हैं लेट्स गो चलो दोस्तों भाइयों आज हम लोग अलग मतलब गर्म के साथ पानी के लिए ले लिया है। तो आपकी तरफ कब देख रहा हूँ और रोड पे ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि भाई रोड पे देखना पड़ेगा रोड पड़ा है तभी तो दोस्तों सिर्फ पानी के ले लिए तो मतलब घर की तरफ जा रहे हैं भैया पूछा और गर्मी यार आ रही है यार पानी खेल जाए थे जन उसके बाद नहाए हुए फ्रेश हुए और कुरान शरीफ तो कुरान में मस्जिद मैंने पढ़ा है। तो अभी कहाँ जा रहा है अभी आपका भाई बाहर जा रहा है टाइम हो रहा है पूरे चार बाहर कहाँ जा रहा है शाम को बनाना है ना जो खाना यानी कि आज बने की बिरयानी चिकन वाली तो चिकन यानी कि जान करके बाबा जा भी चुके तो उनके पीछे ही मैं जाता हूँ तो टाइम हो रहा पूरे चार का तो जाते हैं और जाके चिकन लेकर आते हैं उन्हें मज़े मज़े की शाम को बिरयानी खानी है दैन फिर बाकी की बात बाद में करते हैं। 2000 years later तो दोस्तों यारो टाइम मिल गया है आपके भाई को व्लॉग बनाने का। तो भाइयों यारो दोपहर को गए थे फिर वापस आ गए थे देन लेट गए थे तो व्लॉग ही बनाना भूल गए थे बाबू। तो दोस्तों उसके अलावा हो चुका है यार अफ्तारी का टाइम हुआ नहीं होने वाला है तो आपका भाई बना रहा है शरबत तो शरबत में बना रहा हूं। उसके अलावा यार आज बनी है सवैया आज जो स्पेशल है आज स्पेशल जो हमारे अफ्तारी में तैयार हुआ है वो ये सवैया और शाले भजन ये अभी उठा के भी लेके जा रहे थोड़ा दीदार तो करने देते मेरी पसंदीदा सवैया है ये सिनेमैटिक
उधर को उधर, ये अगर गिर गया है ना, हलाक हो गया यहाँ पे, तो अम्मा यार तेरे को हलाक कर रहा है। तो दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, पापड़ अभी बनने हैं, मम्मा पकोड़े निकाल रही है और मम्मा बेचारी मेरी कांप रही है। वहाँ तुम क्यों कांप रही हो, पता ही नहीं है तुम्हारे को, हैं तुम्हारे को पता नहीं है क्यों कांप रही हो? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए ना, पता रखा करो। मेरे को ज्यादा पता होगा। कोई बात नहीं। तो उसके अलावा दस्तरखान पे एक और चीज भी, एक और चीज भी स्पेशल होने वाली है। वैसे दो दो चीजें स्पेशल होगी दस्तरखान पे, तो आज देखिए एक और भी साथ में होंगी। वो क्या होगी वो मैं भी आपको सिर्फ एक मिनट में नहीं, आधे सेकंड के अंदर दिखाता हूँ। सो देखे दोस्तों, यार बोला था आधे मिनट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा ही मिनट के लिए चला गया, तो ले आया हूँ वो चीज़। वो चीज़ क्या है? ये आज जामेशीरी नहीं है, ये इसको पता नहीं यार क्या बोलते हैं, लेकिन है ये शरबत है मोतिया का, यानी मोतिया का शरबत है। और इसको ये ठट्ठा की सेंध की है, ये अपना ये क्या है जो भी लिखा है, फला 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 डिमका डिमका जो भी हो, इसको बोलते क्या है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। सिस्टर इसको बोलते क्या है, इब्रेशिमी क्या बोलते इसको? नहीं इसको बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है, उसका टेस्ट भी आपको करके बताएंगे जब अफ्तारी करेंगे। अभी तो कर नहीं सकते, हमारा रोजा है, तो जल्दी से तैयार कर ले, वरना लंबी हो रही तो कहीं अब्बू ना हमारी बेइज्जती करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पांचवा रोजा भी डन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह पांचवा रोजा भी खुल चुका है। तो फ्रूट चाट को एंजॉय किया जाए, खजूर पानी पी लिया है, तो फ्रूट चाट है तो काफ़ी मज़ेदार बनी हुई है भाई, इसके अंदर लवाजमात से भरी पड़ी है पूरी, माशाल्लाह माशाल्लाह ना, वो ऐसी बात है ना। और शादे भाईजान आपका खा रहे हो? अरे पापा जो शादे भाई फीकी वाली खाते हैं वो नहीं चटपटी खाते हैं, तो हम भी अब ज़्यादा से फ्रूट चाट को एंजॉय करते हैं, तो बाकी की बातें बाद में करते हैं। अच्छा तो दोस्तों भाइयों ये है वो, ये वो शरबत है जो कि मैं बना रहा था, लेकिन ये है तो कलर ही लेस है भाई, बस हल्का हल्का सा येलो है ना उमारी, तो बस पानी और इसमें ये करके इसमें नींबू पानी, तेल नॉर्मल नींबू पानी बनी है, तो स्पंज भी मेरे को दिखाया ना, मैं बोल रहा हूँ ये लो, तो पापा जानी इसमें डाल ले और छोटे भाई जान समोसे फोड़ ले अकेले अकेले है, अकेले अकेले फोड़ के बोल रहा है, मैंने कहा फोड़ पारा कुड़िए मुंह दे तो है, हां तो फोड़ ले ना, अकेले अकेले खा ले बेटा, याद रखो यार सब पर ही लगता चटाई दे उम्र दा तक आदा हो गया ने अब्बू नु, चलो हो जाए मम्मा जी ने दबका दे दिया बाबा जी को वीआईपी वाला। तो दोस्तों उसके अलावा हो चुका है नमाज, अजान मगरिब हो रही है, तो नमाज मगरिब पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नमाज मगरिब का तरावीह पढ़ने में बहुत सारे मजे, तो इंशाल्लाह बाकी की बातें उसके बाद एक सरप्राइज है, अभी सिर्फ बता रहे हैं चुप हो जा, सरप्राइज नहीं बताना अभी, चल उठ जा यार, अभी नहीं बताते सरप्राइज, वो एक सरप्राइज है, थोड़ी आपको पता चल जाएगा, बहुत मजेदार ब्लॉग होने वाला है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर करम के साथ तराफियाँ अदा करके आ चुके हैं, और बेटा ये ना इज्जत के साथ अपनी प्लेट पे रहो, दूसरे की प्लेट पे हल्ला बोल नहीं करो, लेग पीस आज आप खा रहे हो, नेक्स्ट टाइम दोनों लेग पीस मेरे, हाँ नहीं तो सही है, याद रखियो अब ये चीज़, ठीक है भाई गुड हो गया ना, सही है ना। अभी दोस्तों यारो आज बनी हुई है बिरयानी, तो दोस्तों एक सरप्राइज़ की बात होती है ना, वो ये खाना शाना खा ले फिर उसके बाद उस बारे पर डिस्कस करते हैं और आपको बताते भी हैं। तो अभी खाने का टाइम हो रहा है, तो पहले खाना खाते हैं जो कि है चिकन की बिरयानी, काफ़ी मज़ेदार बनी हुई है, तो इस ये भी थोड़ा सरप्राइज़ से लेना देना है इसका, तो वो भी बाद में बताऊँगा, तो अभी खाना शाना खाते हैं देन फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, तरावियाँ पढ़ के थक गए हैं फुल, तो पहले खाना खाएँ फिर बाकी की बातें करते हैं। A few moments later. अच्छा दोस्तों भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी शिरयानी फोड़ ली है, बड़ी वीआईपी किस्म की है दोस्तों। उसके अलावा यारो जैसा कि था मैंने बोला था कुछ सरप्राइज नहीं, मैंने आपको ये बताना था कि भाई अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए ना, फर्स्ट रमजान को मैं ब्लॉगिंग यानी अपना ये चैनल स्टार्ट करा था, और आज पाँच हो गए, पाँचवा रोजा हो गया, यानी कि पाँच दिन ऊपर ही हो गए, तो यानी कि एक साल हो चुका है मेरे इस यूट्यूब चैनल को, तो इंग्लिश के हिसाब से अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से देखा जाए तो 25 मार्च को होगा,
तो तब के लिए कुछ हैवी सीन है मेरे दिमाग में, वो तब का तब शेयर करेंगे आपके साथ। तो लेकिन उसके अलावा अभी के लिए एक सीन ये है कि हैप्पी बर्थडे कर दी, शर्म ना ही तेरे को, मेरे को तो काटने देता तेरी ऐसी की तैसी। तो मैंने सोचा दोस्तों कि ये पेस्ट्री थी इसी से गुजारा कर लेते हैं, ये बाबा लेकर आए थे शाम में तो इसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। तो शादी भाई ने तो हैप्पी बर्थडे कर दी है, तो थैंक यू सो मच आपने कर दी है, नियत मत खराब कर। अभी खा के हटाए पेस्ट्री तू, पहले भी इस पेट में रात को पेट खराब हो जाएगा। कैसा है बदनीता? तो दोस्तों मम्मा जी मुबारकबाद नहीं दोगी मेरे को? मुबारक हो हैं, मुबारक हो हैं, दवाई खा लो। ओ थैंक यू सो मच। शर्म ना ही तुम्हारे को ना, उई भैंसे पूरा एक दफा मुंह में ले लिए, शर्म कर ले सारा मुंह में एक दफा खप कर लिया। तो दोस्तों उसके अलावा यारो ये बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो इसके अलावा वैसे 25 मार्च को देखी जाएगी, तो अभी के लिए ये काफ़ी था। तो इंशाल्लाह अब कल का व्लॉग कल बनेगा, इस व्लॉग में कुछ आगे है नहीं, अब घोड़े बेच के सोना है, छोटे बाजार करने लगे हैं बिस्तर, तो हम भी को इंतज़ार करें, हम भी आगे बिस्तर में घुसे, नींद बहुत आ रही है, इनकी आँखें खुल पड़ी है, शेरी में भी उठना है जल्दी। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही तक था, अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करके हो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी कहीं पर मत जाना, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, घंटी भी दबा लो, ताकि आपके भाई की आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको अगर महसूस हो सके। तो आज के इतना ही, मिलेंगे और नए टॉपिक से नए कॉन्टेंट के साथ। सो लेट्स टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।